हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 22 फरवरी 2024 को आपके हिंदी का पेपर आएगा। मैं आपको इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ये पेपर अगर आप लोग सॉल्व करके जाओगे तो आपको हिंदी में 100 में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है, चमत्कारी पेपर जिसको आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा और ऐसे आपको इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और देख लेना 22 फरवरी को भी ये आएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, गारंटी है 95 प्लस आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो ऐसे पेपर आपका रहेगा 2024 हिंदी। इधर अनुक्रमांक आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, इधर नाम रहेगा, ऐसे पेपर कोड दिया रहेगा, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। पूरा पेपर ध्यान से समझना है, कौन कौन से इसमें जीवन परिचय कहानी है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, वही सारी चीजें इसमें सब कुछ दी गई है, तो इसको ध्यान से समझना है। जो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर आपको साथ में देते हुए चलना है। ये पेपर बहुत ही मुश्किल से मिला है, प्रीवियस ईयर पेपर का संग्रह है इसमें। ठीक है, देखो निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना है। अब आप सभी को तो ये तो पता ही है कि हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होगा, खंड का और खंड खा। खंड का जो होगा ये 50 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय कहानी और खंड काव्य होंगे। खंड खा में आपका हिंदी संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन और निबंध होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, खंड का में सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जिसको जिसको आंसर पता होगा वो लिखते हुए चलेगा। मुझे भी पता चले आपने पूरे साल कैसी तैयारी की है, फुल एंजॉय किया है या अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, टेस्ट तो होना चाहिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, इन चारों में से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है, एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें फिर जो सरस्वती पत्रिका है ये भारतेंदु युग की नहीं है, बाकी तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु युग की हैं। यहां पे नहीं वाला ध्यान में आपको रखना है, कहीं कहीं स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो पढ़ते हैं भारतेंदु युग की पत्रिका है और इन तीनों में से एक टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस नहीं को ध्यान देना है। ठीक, खा देखिए, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध है, इसमें से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई जी का है, तो तब की बात और थी, ये जो निबंध है ये हरिशंकर परसाई जी का है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपके 12th में हरिशंकर परसाई जी का चैप्टर है। जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ो, उनकी रचनाओं को पढ़ो, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसका किसका आंसर ये सही था, कमेंट करते रहना। ठीक है, कमेंट बराबर होना चाहिए आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है। गा देखिए, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, यानी कि इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में भी लेखन कार्य किया और छायावादी युग में भी अपना लेखन कार्य किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, गुलाब राय जी। देखिए गुलाब राय जी जो है ये द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। घा वाला देखिए, अशोक के फूल निबंध है, अशोक का फूल जो है ये किस प्रकार का निबंध है, भैया ये ललित निबंध है, सीधा सीधा टिक कर दीजिए, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो पता है। ठीक है, अंगा नंबर देखो, रॉबर्ट नर्सिंग होम में किस विधा की रचना है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये है भैया एक रिपोर्टाज, तो ऑप्शन 3rd सही होगा। तो यहां पे काखा गघा अंगा 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि हिंदी गद्य साहित्य से हैं। ठीक है, अब हिंदी पद्य साहित्य से 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दूसरे का देखो, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, मैंने बताया है तार सप्तक में ता और आता है, 43 में भी ता और आता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये ट्रिक है।
ठीक है। खादे को वीर गाथा काल की विशेषता है, वीर गाथा काल, अब वीर आगे वैसे ही आगे भैया, तो इसमें युद्धों का सजीव चित्रण होगा, वीर जो होते हैं वो युद्ध को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं, तो इनकी विशेषता जो है वो युद्धों का सजीव चित्रण, ये इन्हीं की विशेषता है, ठीक है, वीर गाथा काल की। गा देखिए रीत मुक्त काव्य के रचनाकार है, रीत मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है, घनानंद जी, ऑप्शन 4 आपका सही होगा। जिसका जिसका आंसर सही जा रहा है भैया कमेंट कर देना, आप लोग ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मैं नहीं हूं। घा देखिए कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी का है, इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें टोटल 15 सर्ग हैं, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अंगा नंबर, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृत है, देखो जयशंकर प्रसाद जी आपके हिंदी पद में है, अगर आपने उनका जीवन परिचय पढ़ लिया, उनकी रचनाओं को पढ़ लिया, ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, तो इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, तो देखिए इसमें से चित्राधार जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है, ठीक है, उनकी काव्य रचना है। तो 5 नंबर का हमारा ये हिंदी पद्य साहित्य का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हुआ, 5 यहाँ पे टोटल 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये गद्यांश होगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर का सीधे सीधा रहेगा, एक गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ, नहीं पता तो अथवा लगा है, ये वाला कर दो भैया, जो पता है वही कर दो, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, ये बहुत इजी होता है, मतलब दोनों में से एक ही करना है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बस चैप्टर पहचानना आना चाहिए। देखो क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान अनेक खातों का निर्माण कर होता है। इसके नीचे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, किस पाठ से है, जन राष्ट्र, इसका वर्णन किया गया, ये हमारे चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप यह है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो लिख दो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, या संदर्भ डायरेक्टली लिख दो, नंबर मिल जाएगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक व्याख्या करना, जिसके नीचे रेखाएं अपनी भाषा में लिख दो, बस थोड़ा सा चेंज करके आपको लिखना है, कुछ भी रट के नहीं जाना होता, हिंदी में सब कुछ खुद से क्रिएट करके लिखना होता है, इसमें 95 लाना बहुत इजी है, जो जो मैं बताता हूं सारी चीजें पढ़ो, टॉपर बनकर आओगे। तीसरा, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य, जन का प्रवाह अनंत होता है, लिख दो। चौथा, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, देखो ये, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अजर अमर है, ठीक है, यहां ये लिखना है आपको, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ये आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, आंसर। पांचवा, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो यहां पे देखिए क्या है, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, बस यही लिख देना है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में मिल जाएगा, सिर्फ आपको पाठ को पहचानना आना चाहिए, तो आप लेखक का नाम पाठ का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, इजी होता है, नहीं पता मान लीजिए तो अथवा लगाया, रविन्द्रनाथ ने इस भारत को महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, सक आए, हुड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येंतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। ये किस चैप्टर से है, ये अशोक के फूल चैप्टर से है, जिसके लेखक हैं, जिसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बस हो गया, ठीक, ये आप, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, इसी में ढूंढ ढूंढ कर लिख लीजिएगा, एक मैंने बता दिया आपको, एक ही करना होता है, ठीक है। ये इसमें क्या है, देखो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम वही लिख दो, रेखांकित अंश की व्याख्या अपनी भाषा में, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है, तो देखिए यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये सब आए, जो विचित्र देश है ये, इसमें सभी लोग आए, इन्हीं का सहयोग है, आर्य शक हूड़ कहां आए, भारत में आए, काम हो गया। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं भैया, ये भी 10 नंबर का रहेगा, हिंदी पद्यांश, इसमें भी दो ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से एक करना होगा। देखो
जैसे ये है, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाओ के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे से दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। मतलब राधा जी पवन से कहती हैं कि जाइए श्री कृष्ण के पास और बता दीजिए, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा जी श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजते हुए कह रही हैं कि वो मथुरा की भूम पर पड़ी मलिन लतिका और देखिए तो पांव के निकट उसको श्याम केला गिराना। मतलब अगर कोई मुरझाई हुई लतिका पड़ी हुई हो वहां पे, तो श्याम जी के पैरों में उसे लाके गिरा देना, ठीक है। तो उसे श्याम के पैरों के पास लेकर जाकर गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, यानी कि इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से ये प्रकट कर देना, यो मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना, कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझाकर सूखती जा रही हूँ। मतलब आपके विरह में मैं भी, राधा जी भी सूखती जा रही है, ठीक है। प्रेम ब्रह में भाई राधा जी का प्रेम आप ही को पता होगा। आगे देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, फिर वो कहती है यदि नए पेड़ के पत्ते पीले पड़ गए हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ला, तो पत्ते पर तुम्हारे दृष्टि पड़े तो तुम उसे प्रियतम की आंखों के आगे धीरे से रख देना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, यानी कि धीरे धीरे उनको बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, यानी कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। प्रेम ब्रह भाई, प्रेम लव जिसको बोलते हैं, ठीक है। LOBE। देखिए इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, पाठ का नाम, कवि का नाम किस चैप्टर से, ये पवन दूतिका से है जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी, लिख दो, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, धीरे धीरे शमल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। मतलब आपको लिखना है थोड़ा अच्छे से कि यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम उसे प्रियतम की आंखों के आगे ले आना और उसे धीरे से रख देना, और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान वो भी नित्य पीली पड़ती जा रही है। तीसरा, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लतिका को क्या करने के लिए संदेश देती हैं, वो कहती हैं कि अगर तुम्हें मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका, मुरझाई हुई लतिका मिले तो उसे प्रिय, उसे श्री कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना, ताकि उनको भी लगे कि राधा जी उनके प्रेम के व्रह में इसी तरह से सूखी जा रही है। चौथा, सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं, सूखी लता से राधा श्री कृष्ण जी को संदेश देना चाहती हैं कि इसी सूखी लतिका की तरह आपकी राधा जी आपके व्रह में सूखती जा रही है इसी की तरह। पांचवा, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है, उनका अभिप्राय है कि अगर पीले पड़े हुए पत्ते तुम्हें मिल जाएं तो उसे प्रियतम की आंखों के आगे ले जाकर रख देना और उन्हें बताना कि जैसे ये पत्ता पीला पड़ गया है ऐसे ही राधा जी आपके प्रेम से ब्रह में पीली पड़ गई है, ठीक है। बस हो गया, ये लिख देना, काम खत्म, ये हो गया 10 नंबर, क्लियर कर दिया प्यार से मैंने। अब देखो, नहीं पता तो अथवा लगा है यहाँ पे, देखो, चांदनी रात भर का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिक्ता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योतिषता रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृद मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काया काकार का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न, ठीक है। किस चैप्टर से बताओ, ये है नौका विहार चैप्टर से। देखो यहां पे नाव आ गया, नाव इंग्लिश वाला नाव नहीं है, ठीक है, नाव आ गया, तो ये नौका विहार चैप्टर से। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, आंसर 2 नंबर ले जाओ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये साहित्यिक परिचय, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80। 3 लेखक आपको दिए गए हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाई। तीनों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचना लिखिए,
भाई बहुत इजी है, ये फिक्स टॉपिक होता है। यही तीन इंपॉर्टेंट भी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद। मैंने कहा था ये पेपर भैया रामबाण है, तो यही तीन पढ़ के जाओगे पूरे के पूरे नंबर लाओगे। ऐसे इसमें कवि में भी है, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी जो तीन दिए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीन को पढ़ोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कहानी पे ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 80 शब्दों में 5 नंबर। नहीं पता तो पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व लिखिए, पंचलाइट कहानी का आपको उद्देश्य लिख देना है, काम खत्म, ठीक है, हो गया नंबर। सातवां, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आप खंड काव्य जो होता है ये आपके जिले में थोड़ा डिफरेंट होता है। मुक्त यज्ञ अगर आप में है इसको लिख दीजिए 5 नंबर, ये इजी होता है, ये भी फिक्स टॉपिक है, आपका खंड काव्य जो है फिक्स होता है। ऐसे सत्य की जीत, रश्मि रथी, त्याग पथी भी इसी में है, ठीक है, त्याग पथी भी रहेगा जो शायद इसमें दिया रहना चाहिए, क्वेश्चन कट हो गया होगा लेकिन त्याग पथी रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम जहां से भैया त्याग पथी ही है हमारे यहाँ, तो इसको ध्यान में रखना है। रश्मि रथी, सत्य की जीत भी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ये आपके खंड काव्य के आधार पर होता है, जैसे आप हैं जहां से वहां के अकॉर्डिंग ये रहेगा। आप जिस जिले से हैं कुछ जिलों को एक ग्रुप में रख दिया गया है, आप में शायद त्याग पथी होगा तो त्याग पथी पढ़िए, रश्मि रथी है रश्मि रथी को कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। खंड खा पे हम लोग आते हैं, ये अब आपका 50 नंबर कंप्लीट ऊपर हो गया, मतलब 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य मिलाकर आपका 50 नंबर कंप्लीट, ठीक है। अब खंड खा पे हम लोग आएंगे भाई, खंड खा में क्या है देखो, संस्कृत गद्यांश पहले है, 7 नंबर का रहेगा, इसमें आपको संदर्भ लिखकर व्याख्या कर देना। देखो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह विदेव कौपी नावशीषो विद्यान द्वारे वर्तते इत राजा प्रवेशया इत ततः प्रतिष्ठा सा कवि भोजना, बाकी मुझे नहीं पता है, ठीक है, उतनी तेज मेरी संस्कृत नहीं है। तो ये किस चैप्टर से है, ये संस्कृत, ये भोजस्योदार्यम चैप्टर से है, कर दो नहीं पता है तो अथवा लगा है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुल गुरु कालिदास अन्य च भास भारव भावद्वयो महाकविया स्वाकीयो ग्रंथ त्रम त्रम हो गया, ठीक है। ये संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर का है, मतलब आपको संदर्भ लिखना है किस पाठ से, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्तम से अवतरित है, काम खत्म, और इसका हिंदी मीनिंग लिख देना। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, संस्कृत भाषा या महत्तम, महामना मालवीय, जातक कथा और पंचशील सिद्धांता, ये 4 चैप्टर पढ़ के जाओगे टॉप पर बन के आओगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा। श्लोक में तो सबको पता है भैया सुभाषित रतनानि को पढ़ लो, 7 नंबर हाथ में है। जैसे दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, सुभाषित रतनानि जो चैप्टर है ये इसी में पूरा श्लोक है, 1-2 चैप्टर हैं जिसके नीचे एक एक श्लोक है उसको पढ़ लीजिएगा। देखो वज्रदपि कठोरानि मृदूनि कुष्मादपि लोकोत्तराणां चेतांसिको न विज्ञातुमर्हति अथवा निंदतु नीत पुरण यदि वा अस्तुमन्ये, दोनों जो है सुभाषित रतनानि चैप्टर से है। सुभाषित रतनानि चैप्टर को जो स्टूडेंट पढ़ लेगा 7 नंबर फिक्स कर लेगा, बस 1-2 श्लोक जो और चैप्टर में उसको भी पढ़ लीजिएगा। हिंदी व्याकरण पे आते हैं, 2 नंबर का मुहावरा, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। जैसे जब चुनाव के समय नेता लोग वोट मांगकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, बाद में कोई दिखाई नहीं देता, फॉर्च्यूनर में चलेंगे और हम लोग चुनरी ओढ़ के डांस करेंगे, ठीक है। दूसरा, गूलर का फूल होना, इसका मतलब होता है अप्राप्य होना, गूलर का फूल मतलब जो बहुत दिन बाद दिखाई दे, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा, पगहा कर दीजिएगा इसको, ठीक है, इसका मतलब होता है बंधनहीन, आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई है ही नहीं, अनाथ है। चौथा, दूर के ढोल सुहावने, इसका मतलब होगा दूर की वस्तु अच्छी लगती है, बस हो गया, इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए। देखिए बहुत इजी है क्योंकि 4 में से आपको एक ही करना है, कर लोगे, क्या है, कुछ नहीं है भाई, आगे बढ़ते हम लोग। ये टॉपिक नया है लेकिन हम इसको पुराना कर देंगे
इसको बता के। निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 नंबर, बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंच मात्र ही वे रूपायणित करने में सफल उपाय हैं। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों, लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। मतलब क्वेश्चन रहेगा, इसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे या फिर सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दे दिया गया, 5 नंबर, कुछ भी आए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके नीचे क्वेश्चन है, उसका आंसर देना। देखो का, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से कौन भर देते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, नदियों नहरों और खेतों के रेखा चित्र जो हैं ये किसी भी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। दूसरा, लेखक की दृष्टि से बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य ऐसा नहीं है। देखो असामान्य नहीं है, वो अविस्मरणीय है, माया भी है, आकर्षण है, लेकिन असामान्य नहीं है। छठवा, फगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है? देखो समुद्र तट रेतीले, ये इसमें कहीं ना कहीं दिया होगा। क्या हम ढूंढे कि आप ढूंढ लेंगे? देखो समुद्र तट रेतीले कहाँ गया भाई, होगा तो जरूर आपको ढूंढना है। देखो एक एक लाइन हम ढूंढते हैं, कहाँ है समुद्र तट रेतीले, कहाँ गया? देखो ऐसे ढूंढो थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए मिल गया भैया, मिल गया, कहाँ है ये? देखो रेतीले समुद्र तट, तो ये भैया सही है दूसरा ऑप्शन, ठीक है। घा, देखो बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखी। कथन, ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। कारण, ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। बताइए दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है दूसरा गलत है? देखो फर्स्ट, कथन और कारण दोनों असत्य है, नहीं, दूसरा कथन और कारण दोनों सत्य है, ये सही है। देखो ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, सही है ये। कारण, ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना क्या करोगे। अंगा नंबर, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? इस गद्यांश का केंद्रीय विषय बंगाल के जादू को बताना, नहीं भैया जादू नहीं बताया गया है, दूसरा सही है, अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, ये सही है। नहीं पता मान लीजिए गद्यांश तो अथवा लगा है। एक पद्यांश दिया गया है, मैं जब लौटा तो देखा पोटलों से बंधे हुए बूटों ने फेंके अंकुर, ठीक है, ऐसे दिया है। इसके नीचे भी क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पे आते हैं। देखो ये निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो, जैसे अनल अनल, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। देखिए अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु, तो खा वाला ऑप्शन सही है। अनल का मतलब अग्नि, अनिल का मतलब वायु, तो खा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा तरणी तरणी, इसका सही आंसर क्या होगा? तरणी का मतलब होता है सूर्य, तरणी का मतलब नाव, तो का वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दूसरे का का सही है। ऐसे खा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। नाग, नाग के आपको दो अर्थ लिखना है। नाग को हम सर्प भी बोलते हैं, हाथी, नागेश्वर, मैं बोल रहा हूं नाग लिखकर ऐसे आपको लगाना है, फिर लिखना है नाग का सर्प, हाथी, नागेश्वर। पतंग का को किन नामों से जानते हैं? सूर्य, पक्षी, पारा, नौका, विष्णु। पयोधर को हम अस्तन, बादल, नारियल, कशेरू, ठीक है, लिख सकते हैं, बस हो गया भाई, मैंने बोल दिया आप लिख लीजिएगा। गा, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसको ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको हम लोग जितेंद्रिय बोलते हैं, मतलब जीत, जीत, जीत लिया, इंद्रिय, जितेंद्रिय हो गया, ठीक है। दूसरा, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम है वो भैया, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके वो अनुपम भैया है हमारे, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या है। घा, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको 4 वाक्य दिए रहेंगे, दो को आपको शुद्ध करके लिखना है। देखो 2 नंबर का ये भैया रहेगा, 2 मैं दे रहा हूं, मैंने 2 ही बताया यहाँ पे। देखो मेरे को अभी जाना है, इसको आप लोग लिखेंगे मुझे अभी जाना है, मेरे को नहीं बोलते, मुझे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, वो कुर्सी में बैठा है, कुर्सी में नहीं बैठ सकते आप, कुर्सी पर बैठा है, तो पर कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। 2 मैंने बता दिया, 2 ही करना है, ठीक। अब 12 नंबर पे आते हैं,
रस छंद अलंकार। देखिए 12 का रस है, वीर रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उड़की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे दो नंबर। रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, सर्च करो यूट्यूब पे जल्दी से, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। क्या कर रहे हो, बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेके प्रभु का नाम। खा देखिए अलंकार, यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए दो नंबर। दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए दो नंबर। तो रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, बहुत ही इजी वीडियो, 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा, देख लोगे 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आलस मत करो बेटा, क्योंकि स्टूडेंट क्योंकि पढ़ाई आपको करना है। 13 नंबर पत्र लेखन, अपने जनपद के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय प्रबंधक के नाम अपना आवेदन पत्र लिखिए 6 नंबर। नहीं पता थवा लगा, ग्राम प्रधान की ओर से अपने जनपद के जिला अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें गांव की सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया, दोनों में से एक पत्र आप लिख सकते हैं। पत्र कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर यूट्यूब पे सर्च करो आ जाएगा, लिख लो। 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए 9 नंबर। फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, चौथा बढ़ती जनसंख्या रोजगार की समस्या, पांचवा पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पांचों में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना निबंध लिखना है, जो आपको अच्छे से आता हो उस पर लिखेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये 9 नंबर का आएगा, हमारा पेपर यहीं पर फिनिश हुआ। हमने टोटल क्या क्या किया ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने खंड का और खंड खा जाना दो पेपर होता है, खंड का जो होता है 50 नंबर, खंड खा भी 50 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर हमने जाना। देखिए पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पेपर्स को देखने से आपको ये पता चलता है कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ आते हैं, जानना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।